वेलकम टू ऑलमोस्ट टेक। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे रियलमी 8 जो डिवाइस है, इस डिवाइस की यूजर्स यार काफी ज्यादा वेट कर रहे थे कि हमारे डिवाइस में एंड्रॉइड 12 और रियलमी 3.0 का ऑफिशियल अपडेट को कब तक प्रोवाइड किया जाएगा। तो फाइनली यहां पर रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट टाइम उन यूजर्स को यहाँ पर ये अपडेट देखने को मिला है जिन्हें इसका डिवाइस रियलमी 3.0 बीटा अपडेट पर रन कर रहा था। अब बात करें कि यार एंड्रॉइड 11 यूजर्स को कब तक ये अपडेट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इस अपडेट का साइज के बारे में बात करेंगे कि इस अपडेट के साथ में क्या कुछ नए चेंज लोग हुआ है आपके डिवाइस में, तो इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं रियलमी 8 डिवाइस के एंड्रॉइड 12 और रियलमी 3.0 ऑफिशियल अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आपने अपने डिवाइस में रियलमी 3.0 का बीटा अपडेट को इंस्टॉल किया था तो उस अपडेट के साथ में आपके डिवाइस में हीटिंग इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज, बैटरी ड्रेन इश्यूज, लैगिंग इश्यूज, यहाँ पर और भी कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे, तो उन सारे प्रॉब्लम को यहाँ पर सोल्व कर दिया गया है इसी ऑफिशियल अपडेट के थ्रू। तो आपको अपने डिवाइस की सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करोगे तो आपको ट्रायल वर्जन में जाना है। वहां पर आप जाओगे तो आपको न्यू अपडेट शो होगा आपके डिवाइस में। इसका अगर आपको लास्ट में वर्जन चेक करना है, C.06 का न्यू अपडेट देखने को मिलता है आपके डिवाइस में। एंड इसके साइज के बारे में बात करें तो रियलमी 3.0 बीटा अपडेट पर जिन डिवाइस का यूजर्स रन कर रहा था उन यूजर्स को यहाँ पर 1.08 GB के आसपास ये अपडेट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यार इसके चेंज लॉग के बारे में कि इस अपडेट के साथ में आपके डिवाइस में क्या कुछ नए चेंजेस देखने को मिले हैं। तो अपडेट लॉग में आपको न्यू डिजाइन देखने को मिलती है। आप अपने डिवाइस का नोटिफिकेशन पैनल को जो ऑन ऑफ कर रहे थे, मतलब नीचे आप स्क्रॉल करते हो तो वहां पर आपको न्यू चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर और भी काफी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं जो कि कन्वेंसेंसी एंड एफिशिएंसी में भी आपको देखने को मिलता है। एड से बैकग्राउंड स्ट्रीम ऐप इन बैकग्राउंड स्ट्रीम ODE कंटिन्यू प्लेइंग द ऑडियो वीडियो व्हेन यू लीव द लुक योर फोन, यहाँ पर भी आपको चेंजेस देखने को मिलता है। फिर फ्लेक्स ड्रॉप में भी आपको चेंजेस देखने को मिलता है। ऑप्टिमाइज द मेथड ऑफ स्विचिंग फ्लोटिंग विंडो बिटवीन डिफरेंट साइज, यहाँ पर आपको डिफरेंट साइज में फ्लोटिंग विंडो देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर आपका जो फोटोज है ना, फाइल वाला जो ऐप जो सेक्शन था उसमें यहाँ पर न्यू लुक आपको देखने को मिलता है जो कि एंड्रॉइड 12 और रियलमी 3.0 का यहाँ पर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो आपको परफॉर्मेंस में देखने को मिलती है। एड्स क्विक लॉन्च फीचर्स आपको यहाँ पर ऐड किया गया है। इस फीचर्स को आप यूज कर सकते हो। इस फीचर्स को यूज करोगे तो आपको कहीं पर भी आप क्विक लॉन्च ऐप को यहाँ पर आप मतलब आप किसी भी अपने फेवरेट ऐप लॉन्च को वहाँ पर सिलेक्ट करके रखिएगा और वहाँ से आप क्विक लॉन्च करके आपके जो एप्लीकेशन है उसे ओपन कर सकते हो। फिर एक जो चीज है यहाँ पर एड्स चार्ट डिस्प्ले योर बैटरी यूजर्स, यहाँ पर ये चेंजेस देखने को मिला है। नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर आपको वाईफाई ब्लूटूथ एयरप्लेन मोड एंड यहाँ पर NFC में आपको चेंजेस देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो आपको गेम स्पेस में देखने को मिलता है, आपका जो गेम स्पेस है वो यहाँ पर स्मूथली रन करेगा। एंड यहाँ पर रिड्यूस CPU लोड एवरेज एंड लोअर बैटरी यूजेस, यहाँ पर भी आपको ये दिखाई देगा, तो बहुत अच्छा अपडेट देखने को मिला है। फिर नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो कैमरा सेक्शन में आपको देखने को मिलता है, यू कैन नाउ डिसाइड विच कैमरा मॉडल्स आर डिस्प्लेड ऑन द मेनू बार एंड इन व्हाट ऑर्डर दे आर डिस्प्ले, यहाँ पर आपको कैमरे में कुछ यहाँ पर जो मेनू बार आपका जो सेक्शन था उसे यहाँ पर डिस्प्लेड कर दिया है इसी अपडेट के साथ में। फिर नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो यू कैन नाउ ड्रैग जूम स्लाइडर एंड जूम स्मूथली व्हेन शूटिंग वीडियो, आप जब रियर कैमरा से जूम स्लाइडर एंड जूम शूटिंग मतलब फीचर्स को यूज कर रहे थे वहां पर आपको ऐड कर दिया गया है। फिर सिस्टम में आपको चेंजेस देखने को मिलता है, ऑटो ब्राइटनेस आप जब एल्गोरिदम को यहां पर अडॉप्ट किया गया है रियलमी की ओर से, जहां पर आपको मतलब ऑटो ब्राइटनेस आप ऑन रखते थे तो यहां पर जब आपका ऑटो ब्राइटनेस ऑन रहता था तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज नहीं होता था ऑटोमेटिकली, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही थी उसे यहाँ पर आपको कंफर्टेबल कर दिया गया इस अपडेट के थ्रू। नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो एसेसिबिलिटी में देखने को मिलता है, ऑप्टिमाइज एसेसिबिलिटी एंड एड्स विजुअल टैग्स इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर आपके जो टैग्स है उसे यहाँ पर बहुत अच्छे कर दिए गए हैं। ऑप्टिमाइज आपको बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलते हैं जैसे कि फोन कॉल में देखने को मिलता है, कैलेंडर एंड मेल में आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यार आपके डिवाइस में कि जिन यूजर्स का डिवाइस एंड्रॉइड 11 पर ही रन कर रहा है उन यूजर्स को यहाँ पर ये अपडेट कब तक देखने को मिलेगा।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा फोन यूजर्स को भी यहाँ पर ये अपडेट देखने को मिलेगा। आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग में जाने के बाद आपको आपके डिवाइस को लेटेस्ट अपडेट में अपडेट करके रखना होगा, तभी आपके डिवाइस में ये अपडेट देखने को मिलेगा। अगर आपको अभी अपडेट देखने को नहीं मिलता है तो आपको अप्रैल के एंड वीक तक वेट कर लेना, उससे पहले पहले आपके डिवाइस में ये अपडेट कभी भी देखने को मिल जाएगा। तो यार ये वीडियो थी, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।